हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप कोई पुरानी कार खरीदते हैं, वो भी टाटा इंडिका या इंडिगो, तो आप बिल्कुल सोच समझ कर गाड़ी खरीदें। इनमें हेड गैस्केट की, वाटर बॉडी की, फ्यूज़ उड़ने की, फ़ैन नहीं चलने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप बिल्कुल कभी किसी ब्रोकर के चक्कर में ना फंसे। अगर ये 10-12 मॉडल भी है, अगर बढ़िया से बढ़िया कंडीशन है, तो इसकी 60-70-80 हज़ार से ज़्यादा कीमत नहीं दें। अभी मेरे पास एक 12 मॉडल है जिसकी कीमत 45 हज़ार रुपये है। बिल्कुल ही मार्केट इसका डाउन हो चुका है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हेड गैस्केट की दिक्कत आती है। थोड़ी गर्म होती है, हेड गैस्केट इसका उड़ जाता है, और अब थोड़ा और चला लेते हैं तो इसके वाल्व बेंड हो जाते हैं और इंजन जो ऑयल और पानी है वो एक हो जाता है और इंजन सीज हो जाता है, तो 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। तो आप टाटा इंडिका या इंडिगो पुरानी गाड़ी मेरे ख्याल से तो आपको नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल सस्ती मिल रही है तो आप खरीद सकते हैं, ज़्यादा इसकी कीमत नहीं दें। और टाटा की गाड़ी अगर आपको लेनी ही है, कहीं आपको सस्ती मिल रही है, तो आप इसका इंजन चेक कीजिए कि कहीं बैक कंप्रेसर तो नहीं है। इसका इंजन चेक करने के लिए आप जैसे बोनेट खोलेंगे तो वहाँ पे आपको जो गेज है, जो ऑयल चेक करते हैं, वो निकालिए आप। वो निकालने के बाद एक्सीलरेटर दबाइए, जो रेस वाला होता है वो रेस दबाइए। तो इसमें अगर ऑयल ऊपर आ रहा है, यानी बाहर आ रहा है इस गेज वाले में से, तो मानो गाड़ी बैक कंप्रेसर है। अगर बाहर फुल रेस देने के बाद भी इसमें ऑयल नहीं आ रही है, तो आप मानो गाड़ी सही है इंजन इसका। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि इसमें ऑयल होता ही नहीं है, 1-1.5 लीटर बचा आता है, तो वो इतना ऊपर आएगा नहीं। आप हाथ लगा के चेक कीजिए और रेस मारिए। अगर आपकी उंगली भर जाती है ऑयल की, फुल ऊपर आ रहा है, तो मानिए गाड़ी ऑयल उठा रही है बैक कंप्रेसर। अगर नहीं आ रहा है तो बैक कंप्रेसर नहीं है। और ये भी चेक करिए इसमें ऑयल कितना है। कई बार कई जो ब्रोकर होते हैं वो इसका ऑयल कम कर देते हैं, ताकि ऑयल ऊपर आए ही नहीं इस गेज में से। आप जैसे रेस मारेंगे, अगर बैक कंप्रेसर होगी तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, बाहर छींटे देने लग जाएगा। उसके बाद आप साइलेंसर में अगर ज़्यादा धुआं दे रही है, तो भी मान लो इंजन और टर्बो में दिक्कत है, तो आप सोच समझ कर ही गाड़ी खरीदें। उसके बाद आप बॉडी देख सकते हैं, कहीं रिपेंट नहीं है, जंग जंग वगैरह ज़्यादा नहीं है, पलटा मार के वापस तैयार नहीं हुई है। टायर देख सकते हैं इसके कितने दिन लगभग चलते हैं, कितने परसेंट टायर हैं। उसके बाद आप गाड़ी को जब रनिंग करके देखें, चला कर देखें, तो ये देखिए जो इसका टेम्परेचर वाला है ना, ये कूल एंड हॉट वाला, तो ये अगर हाफ से ऊपर जाने लग जाए ज़्यादा थोड़ा चलाने के बाद, तो मानो गाड़ी गर्म हो रही है, हीट ले रही है, इसका लगभग हेड गैस्केट उड़ने वाला है या इसमें पानी वगैरह की कमी है। तो आप टाटा की जब भी गाड़ी खरीदें, तो सोच समझ कर ही गाड़ी खरीदें। इसमें हेड गैस्केट की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आप किसी के चक्कर में फंसे नहीं। और कीमत इसकी 30-40-50-60 हज़ार से ज़्यादा नहीं दें। अगर बहुत ज़्यादा अवेन कंडीशन है, तो भी आप कीमत थोड़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अगले वीडियो में किसी दूसरी गाड़ी के साथ आएंगे और आपको पूरी डिटेल से समझाएंगे कि पुरानी गाड़ी खरीदते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और किस प्रकार से चेक करते हैं कि इंजन, बॉडी, टायर, इसके डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, क्या चेक करने चाहिए, लोन इसका कैसे चेक करना चाहिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए।